हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। फिल्मों में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले आमिर खान को आज दुनिया मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जानती है। फिल्म और समाज में लगातार हो रहे बदलाव को एक्सेप्ट करते हुए आमिर खान ने एक के बाद एक कई सारे हिट फिल्मों की लाइन लगा दी है। ऐसे में हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे आमिर खान की उन फिल्मों के बारे में जिसके बाद उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट की उपाधि दी गई। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है दंगल का, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। दंगल फोगाट फैमिली के लाइफ पर बेस थी, जिसमें आमिर खान ने पहलवान महावीर फोगाट की भूमिका निभाई थी, जो इस फिल्म में अपने बेटियों को ट्रेन करता है और फिर उन्हें चैंपियन बनाता है। फिल्म में इमोशंस, पैशन, डेडिकेशन और बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स भी हैं। फिल्म में आमिर के परफॉर्मेंस को शब्द में बयान नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ आप देखकर ही महसूस कर पाएंगे। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में आमिर ने शानदार एक्टिंग की है और इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। थ्री इडियट्स, ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर तंज कसती इस फिल्म में आमिर खान ने रैंचो का कैरेक्टर प्ले किया था। रैंचो इंजीनियरिंग कॉलेज का एक ऐसा लड़का है जो अपने हिसाब से पढ़ाई करना चाहता है। वो पढ़ाई को सिंपल तरीके से जानता है और अपने दोस्तों को भी बताता है। राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शानदार एक्टिंग के लिए आमिर खान को बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। रंग दे बसंती, ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की इस फिल्म में दलजीत सिंह उर्फ डीजे यानी कि आमिर खान एक कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है जो अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता है। दूसरी तरफ ये सभी दोस्त मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हैं जिसमें दलजीत सिंह चंद्रशेखर आजाद का कैरेक्टर प्ले करता है। फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग के लिए आमिर खान को बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड से नवाजा गया था। तारे जमीन पर, ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी। आमिर खान स्टारर इस फिल्म ने स्पेशल स्टूडेंट्स, आम छात्रों और पेरेंट्स के लिए बेहद ही सेंसिटिव मुद्दा उठाया था। फिल्म में दर्शन सफारी एक बच्चे का कैरेक्टर प्ले करते हैं जो डिस्लेक्सिया से जूझ रहा है। फिल्म में आमिर ने दर्शन के टीचर की भूमिका निभाई थी। फिल्म को क्रिटिक्स के साथ ही साथ ऑडियंस ने भी काफी पसंद किया था। इस फिल्म को देखने के बाद आप जरूर रो देंगे। लगान, ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी। फिल्म लगान से आमिर खान ने स्पोर्ट्स ड्रामा के फ्लॉप होने के मिथक को भी तोड़ दिया। उस दौर की फिल्में काम नहीं करती थी और ये बात भी बोली जाती थी कि बॉलीवुड हॉलीवुड से नहीं जीत सकता। लगान विदेश में बॉलीवुड की सबसे फेवरेट फिल्म बन गई। आज तक की ये सबसे सक्सेसफुल क्रिकेट बेस्ड फिल्म है। इस शानदार फिल्म में एक्टिंग के लिए आमिर खान को बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था। जो जीता वही सिकंदर, ये फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी। आमिर खान, आयशा जुल्का और दीपक तिजोरी स्टारर फिल्म जो जीता वही सिकंदर ने कई सारे लेवल्स पर बॉलीवुड को चेंज कर दिया था। इस फिल्म को आज भी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन हाई स्कूल कैंपस और स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में शामिल किया जाता है। ये फिल्म अपने दौर की ट्रेंड सेटर साबित हुई थी। आमिर खान इस फिल्म में एक लापरवाह स्टूडेंट का कैरेक्टर प्ले करते हैं जो अपनी खुद की सेल्फ डिस्कवरी से गुजरते हैं और बाद में चैंपियन बनकर सामने आते हैं। अंदाज अपना अपना, ये फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी। आमिर खान और सलमान खान स्टारर 90s के दशक की क्लासिक फिल्म अंदाज अपना अपना अपने जमाने में सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। हालांकि बाद में लोगों ने इस फिल्म को ढूंढ ढूंढ कर देखा और आज इसे वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स माना जाता है। राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को देखकर आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। वेल, तो ये थी ऐसी 7 फिल्मों की लिस्ट जिसने आमिर खान को बनाया मिस्टर परफेक्शनिस्ट। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।